प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्प दत्ता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। उत्तरार्ध अंतिम पड़ाव 1998। कालचक्र एक और ठुमकी लगाकर आगे बढ़ गया। अतुल का विवाह हो गया। सोचा जैसे मथुरा में पिताजी विवाह अवसर पर पूरा परिवार जमा करते थे, एक बार वह प्रयास मैं भी कर देखूं। घर की धरती से बिछड़े अपने अपने नए संसारों में बसे मेरे भाई भतीजे, बहन बहनोई, भांजे भांजी, बहुएं, पोते पोती, देवते देवती इस अवसर पर अति उत्साह से आए। सप्ताह भर सब साथ रहे, साथ खाया, साथ गाया, हंसे बोले, पुरानी कहानियां दोहराई, पुराने चित्र देखे, माता पिता की यादों में डूबे उतराए, 20-20 साल के बच्चों को पहली बार देखा, उनमें उनके पूर्वजों की छवि को देखा, खून के रिश्ते में कितना आकर्षण है, एक बार फिर जाना। खुशी में पक कर डगमग चित से एक दूसरे से विदा ली। परंतु यह पता नहीं था कि कौन कितनी शीघ्र अंतिम विदा ले रहा है। प्रिय ओंकार लाला जी का सबसे बड़ा पोता आधे घंटे का समय बिना दिए अपने भरे पूरे सुखी परिवार को अवाक करके अपने पूर्वजों से जा मिला। हमारे हृदय में एक घाव सा हो गया। सबकी बारी आएगी, मेरी बारी पारसाल आई थी, टल गई। अब अविनाशी काशी में एकांत साधना करना लक्ष्य बनाना है, तन से अधिक मन को संभालना है। Thank you.
जी।